में हूं दिबांशी बोइत्रा। गलवान घाटी का विवाद जारी और चीन और भारत दोनों एक से बढ़कर एक हथियार और मिसाइल, टैंक, लड़ाकू विमान और सैनिक सभी सीमा पर तैनात कर रहे हैं। इसी बीच भारत दुनिया से नए और खतरनाक हथियार भी खरीद रहा है जिससे चीन को जवाब दिया जा सके। उसी कड़ी में जमीन पर तो भारत ने चीन को सबक सिखा दिया जिससे चीन काफी परेशान। इसके साथ ही साथ समुन्द्र में चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपनी कमर कस ली और उसी का नतीजा है कि चीन की पनडुब्बियों को खत्म करने के लिए नए खतरनाक हथियारों की तैनाती शुरू कर दी। जी हाँ, अमेरिकी P-8I विमानों का जत्था जल्द भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं क्योंकि चीन सीमा पर आक्रामक है और भारत उसी का जवाब दे रहा है। उसी का नतीजा है कि चीन हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी युद्धपोत और पनडुब्बी लगातार गश्त कर रही और भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही। P-8I विमान चीनी घुसपैठ को रोकने का काम करेंगे। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि जो P-8I विमान भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है उन विमानों को नई नई तकनीक से लैस किया गया। नए P-8I विमानों को गोवा में हंसा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। विमान भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने के बाद हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों पर निगरानी रखेगी और खात्मा करने में अहम भूमिका निभाएगी। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि भारत के पास पहले से ही 8 P-8I विमान मौजूद जिन्हें तमिलनाडु के अरनाकुलम में तैनात किया गया और यहीं से इन विमानों को पूर्वोत्तर भेजा जाता है। P-8I विमानों में मैग्नेटिक डिडक्शन सिस्टम लगा है जो पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों को खोज निकालता। इसके अलावा P-8I में कई ऐसे रडार लगे हैं जो लंबी दूरी तक दुश्मन की पनडुब्बी और युद्धपोत का पता लगा सकते हैं और दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। इस विमान की स्पीड 789 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑपरेशनल रेंज 1200 किलोमीटर है। ये विमान करीब 40 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। आपको मालूम हो कि चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने की जुगत में लगे रहते हैं लेकिन भारत ने इन दोनों देशों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी के साथ ही साथ फ्रांस से भी भारत ने कई रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए और अभी हाल ही में रूस के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे ऐसे खतरनाक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि चीन और पाकिस्तान घबरा गए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत चीन और पाकिस्तान को घेरने के लिए क्या कर रहा है।